तो सिक्योरिटी गार्ड का बहुत सारा ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है क्या, समझ में आ रहा है? सबसे पहले सिक्योरिटी है क्या, सेफ्टी है क्या। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी प्रॉब्लम को आप बताएं और उसी प्रॉब्लम से उसी उसी जगह को दूर लेकर जाएं, या फिर वहां पे जितने भी लोग हैं उसको दूर लेकर जाएं, उसको कहा जाता है सिक्योरिटी, या फिर उसको कहा जाए सुरक्षा। सिक्योरिटी का हिंदी मीनिंग होता है सुरक्षा, या फिर उड़िया मीनिंग होता है सुरक्षा। किसी भी जगह में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल प्रॉपर्टी एंड पार्किंग देखना, इसके साथ साथ पेट्रोलिंग करना एंड इसके साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना एक सिक्योरिटी गार्ड का काम रहता है और उसको ही सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। आपको कहीं पर भी पूछा जाता है व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल और प्रॉपर्टी एंड उसके साथ साथ डिसिप्लिन एंड पेट्रोलिंग, जो कोई भी पर्सन को वर्क दिया जाता है उसे हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ये होता है सिक्योरिटी का डेफिनेशन, ठीक है। तो सिक्योरिटी का देखा जाए तो बहुत सारा ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग जो होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में एक सिक्योरिटी पर्सन के लिए रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी मतलब मेरुदंड। अगर आपके पास मेरुदंड नहीं होगा तो आप क्या खड़े हो पाओगे? नहीं। तो सिक्योरिटी जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है पेट्रोलिंग, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। ज्यादातर रात में पेट्रोलिंग किया जाता है, दिन में तो बहुत सारा वर्क रहता है लेकिन रात में कोई भी वर्क नहीं रहता, तो उसी टाइम में आपको पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है, आपको जो कोई भी जगह में भी पोस्टिंग दिया गया होगा उस वहां पे रात में टोटल जगह को घूमना है, मतलब आपको जितना भी पोस्टिंग एरिया दिया गया होगा, जितना भी जगह घूमने के लिए दिया गया होगा, टोटल जगह घूमना है। घूमना मतलब ये नहीं कि घूम कर आ जाना है, ठीक है, टोटल ऑब्जर्व करना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे सॉल्व करना हमारा काम है, ठीक है। कोई खिड़की बंद है क्या, बंद है तो खोला करना है, अगर अगर ओपन है तो उसे बंद करना है, ठीक है। अगर कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो उसे जलाना है, ठीक है। कहां पर अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है तो उसी इलीगल एक्टिविटीज को रोकना है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको जो सीनियर है, आपको जो सुपीरियर है, आपको जो सुपरवाइजर है उसको इन्फॉर्म करना है, उसके बाद वो आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में वो होता है पेट्रोलिंग, ठीक है। सेकंड होता है प्रोटेक्शन, मैंने आपको पहले भी बोला सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है सुरक्षा, ठीक है। तो अब सवाल आता है आपको किस चीज को प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन देना है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर स्टाफ, वहां पे जितना भी लोग काम कर रहे हैं, आपको जहां पे भी अपॉइंट किया जा रहा है वहां पे जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना पहले हमारा काम है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स आइदर प्रॉपर्टी, वहां पे जितना भी सामान है, वहां पे जितना भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देना हम लोगों का जिम्मेदारी है, हम लोगों का काम है, जैसे कोई सामान चोरी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर का बाहर के आदमी के साथ लीक करना नहीं है, समझ में आ रहा है। प्रोटेक्शन तीनों चीज के ऊपर हमें करना है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर स्टाफ, वहां पे जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना हम लोगों का काम है। सेकंड होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वहां पे जितना भी सामान है वो सामान को प्रॉपरली केयर करके रखना है, जैसे कोई भी सामान चोरी ना हो। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आदमी के साथ लीक करना नहीं है, कोई भी चीज को बाहर के आदमी साथ बात करना नहीं या फिर आपके घर में ही बताना नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मीन होता है, मीनिंग होता है शांति श्रृंखला रक्षा करना, ठीक है। आपका काम है प्रोटेक्शन देना, अगर वही पर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रोटेक्शन दे पाएंगे, सुरक्षा कैसे कर पाएंगे अगर वहां पर इनडिसिप्लिन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना। अब सवाल आता है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जैसे कि इनडिसिप्लिन कहां पे होता है, वहां पर अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी जो कोई भी पर्सन अगर नशा करके जाता है तो वहां पर इनडिसिप्लिन होगा, ठीक है। तो कोई भी जो कोई भी पर्सन अगर नशा करके अंदर जा रहा है तो उसको एंट्री करना ही नहीं है, एंड इसके साथ साथ खुद ड्यूटी पीरियड में आइदर रूम में भी कभी भी नशा फिसा कुछ करना नहीं है,
अगर करोगे आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। अभी आपको जो ये जॉब मिल रहा है ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम रहोगे। अगर मान लो वहां से काम हमारा हट भी जाता है तो और जगह में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, लेकिन आप जब अच्छे रहेंगे, जब आप अच्छे से काम करोगे तब जाकर पोस्टिंग दिया जाएगा, इधर वहीं से निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्रॉपरली आपको जो कोई भी वर्क दिया जाएगा वहां पर उसको ध्यान से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसिप्लिन मेंटेन, ठीक है। तो कभी भी ड्यूटी पीरियड में इधर रूम में कभी भी नशा चीज यूज करना ही नहीं है, ठीक है। करते हो क्या? नहीं ना नहीं। तो ये सारा चीज को छोड़ना, अगर करते भी हो छोड़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि कोई भी पर्सन पहले आते हैं तो पहले किसको मिलेंगे? गेट में कौन रहेगा? गेट में सिक्योरिटी रहेगा। तो आपको बातचीत करने का तरीका पोलाइटली होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए। किसके साथ इधर उधर का बात करना नहीं है, तू तारे रा ऐसे बात करना नहीं है, प्रॉपरली रेस्पेक्ट देकर बात करना है। सर ऐसे बात करना है, आज्ञा ऐसे बात करना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोगों का जो काम होता है वो कस्टमर सर्विस का काम होता है, हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। कोई पर्सन अगर आते हैं तो पहले गेट में हमें मिलेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको देखेंगे, वो हमारा पहले ड्रेसिंग सेंस को देखेंगे, उसके बाद हमारा बातचीत करने को तरीके को देखेंगे, है ना। अगर मान लो कोई भी जगह में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको बोल दिया कि 6 बजे के बाद किसको एंट्री करना नहीं है, शाम 6 बजे के बाद किसी को भी अंदर में एंट्री करना नहीं है, 6 बजे के बाद भी लोग आएंगे आएंगे, तो उस समय आपको उसी आदमी से जो कोई पर्सन आए हैं उसको डील करना है। क्या डील करना है? पोलाइटली डील करना है, रिक्वेस्ट के नजरे में डील करना है। उनको जाकर सामने में बोलना है कि सर आज से या फिर अभी से रूल बन गया है 6 बजे के बाद किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं है सर, ठीक है। अगर आपको जाना है अंदर या फिर आपका कोई अगर इमरजेंसी काम है, वर्क है, तो आप कोई भी अथॉरिटी पर्सन से हमें बात करा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आइदर नहीं छोड़ सकते। क्लियर? yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, आपको जो कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम होना चाहिए, खुद के मन मर्जी में कोई भी काम नहीं होगा, है ना। और जो कोई पर्सन आएंगे उनको पोलाइटली बात करना है। जैसे कि मैं आपको क्या बोला, सिंपल में वो बोला कि यहाँ का नया रूल आ गया है 6 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको मालूम नहीं है कि 6 बजे के बाद रूल बन गया है, नहीं होगा एंट्री, ऐसे बात करना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वही एक चीज है, आप रिक्वेस्ट करोगे और ऑर्डर दोगे, है ना। ऑर्डर किसको देना नहीं है, रिक्वेस्ट करके बात करना है। क्योंकि जो कोई पर्सन आ रहे हैं वो वहां का कोई क्लाइंट भी हो सकते हैं, कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर मालिक भी हो सकते हैं अगर आप नहीं पहचानते हैं। तो अगर रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करोगे तो आपको मतलब प्रॉपरली वो बोलेंगे कि अच्छा काम कर रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान देना। आप जहां पर भी काम करोगे वहां पे बहुत सारे सर लोग होंगे, रेस्पेक्ट आप देंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। आपको अच्छा लड़का वो लोग बोलेंगे। कभी भी आपके नाम पर अगर कंप्लेन आ जाता है छोटा मोटा, तो कभी भी मेरे तक या फिर आपके सुपीरियर तक कभी भी कंप्लेन नहीं जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा लड़का ही छोड़ो। तो रेस्पेक्ट कैसे देना है, आप लोग अभी डिफेंस सेक्टर में एंट्री किए हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो डिफेंस में जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सैल्यूट करके जय हिंद सर करना है, अभी सिखाया ना, ट्रेनिंग लिया ना। जो कोई भी अगर सीनियर सर आते हैं, एक दो दिन के अंदर सबको आप पहचान जाओगे, पहचान जाओगे एक दो दिन के अंदर। तो जो कोई पर्सन सीनियर आपके आते हैं तो प्रॉपरली उनको रेस्पेक्ट देना है, बैठे रहना नहीं है, तुरंत खड़े होना है, सैल्यूट करना है, ठीक है, दिन में एक बार, ओके, दो तीन बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दिन में एक बार, ठीक है। जब आप विदाउट यूनिफॉर्म में रहेंगे, कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो सिंपल ऐसे जय हिंद सर करना नहीं है, सिंपल खड़े हो जाना है और जय हिंद सर बोलना है। नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म में रहोगे तो हाथ खड़ा करके डायरेक्टली जय हिंद सर, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, आप अच्छे से वहीं पर कंटिन्यू काम कर पाओगे, लॉन्ग टर्म काम कर पाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा वहां पे रजिस्टर बेसिकली रहेगा, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर तीन होता है, तीन रजिस्टर दिया जाता है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जहां पे काम करेंगे उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वहां पे 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली 3 रजिस्टर दिया जाता है। पहला रजिस्टर होता है विजिटर रजिस्टर। कोई भी विजिटर
अगर अंदर में कोई भी अथॉरिटी है उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट है, तो उनको उसी विजिटर रजिस्टर में एंट्री करके अंदर छोड़ना है, ठीक है? एंट्री करना है, उसके बाद सॉरी पहले पूछना है, पहले अंदर में परमिशन लेना है, कोई भी रिसेप्शन का आदमी आपके साथ कनेक्ट में होंगे, है ना, नंबर होगा ऑफिस का, उनको फोन करके पूछना कि ये सर आए हैं भेजो क्या, वो अगर परमिशन देंगे तो आपको विजिटर रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ना है। विजिटर रजिस्टर समझ में आ जाए, आ गया। सेकंड आता है स्टाफ रजिस्टर, जितने भी स्टाफ अंदर में काम कर रहे होंगे उनका इन एंड आउट रजिस्टर रहेगा आपके पास गेट में, तो उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, कब आए कब गए, क्या काम करते हैं, ठीक है? उनका एम्प्लॉय कोड भी हो सकता है, वो सारा कुछ मेंशन करना, वो सारा कुछ लिखना है। नेक्स्ट होता है मेटेरियल रजिस्टर। मेटेरियल रजिस्टर मतलब कोई भी सामान अंदर जा रहा है, कोई भी सामान बाहर जा रहा है, तो उसी चीज को मेटेरियल रजिस्टर में एंट्री करना है, कौन सी गाड़ी में आया, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर नेम, मोबाइल नंबर, इन आउट, वेट भी, अगर कहां पर वेट मेंशन है तो वेट भी मेंशन करना है, ठीक है? समझ में आ गया। रजिस्टर में कोई भी गलत एंट्री या फिर मिस्टेक एंट्री करना नहीं है, अगर पता नहीं है तो पूछो, आपको जो सीनियर रहेंगे वहीं पे पूछो, तब जाके एंट्री करो, अगर पता नहीं है तो कभी भी मिस्टेक एंट्री मत करो। मान लो अगर कोई स्टाफ आया है ड्यूटी करने के लिए, आप उसे ऑब्सेंट दे दिए हैं, प्रेजेंट नहीं किए, ऑब्सेंट कर दिए हैं, तो उसी दिन का उसे पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लास्ट में जब पता चलेगा वो क्या करेगा, आपके सामने वहां का आपको तूता करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रॉपरली रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करना, अगर मालूम नहीं है तो सीखो, पूछो, ठीक है? तो रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करना है, इधर उधर कुछ एंट्री करना नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है फायर एंड सेफ्टी। कहां पर भी अगर आग लग जाता है तो आग को बुझाने का काम, आग को बंद करने का काम भी सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर रहता है, लेकिन आप तीनों को जहां पर भी अभी अपॉइंटेड किया जा रहा है वहां पर आग लगेगा ही नहीं, स्कूल कॉलेज में या फिर अपार्टमेंट में वैसे कुछ आग नहीं लगता, ठीक है? लेकिन आगे आप जब काम करोगे आगे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट आता है टाइम पंचुअलिटी। मान लो आपको टाइम दिया गया है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, या फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, ठीक है? आपका 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, क्लियर हो गया आप लोग? तो आपको जो कोई भी टाइम फिक्स टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपको पहुंचना है, लेट करके पहुंचना नहीं है, याद रखो टाइम का पंचुअलिटी होना जरूरी है, अगर नहीं होगा, आप अगर लेट करोगे तो आपको जो कोई भी पर्सन रिलीफ देने वाला होगा, है ना, मान लो आप डे ड्यूटी कर रहे हैं 8 बजे आ गए, शाम 8 बजे जाना है आपको, ठीक है? आप अगर सुबह लेट किए होंगे तो रात में जो भी कोई पर्सन आए होंगे ड्यूटी करने के लिए वो भी लेट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, उसमें आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम का पंचुअलिटी को ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर 8 बजे टाइम दिया गया है तो 8 बजने से पहले 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है? टाइम का पंचुअलिटी ध्यान देकर ड्यूटी करना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या है, ईमानदारी। आपको जो कोई भी जगह में अपॉइंटेड किया जा रहा है वहां पे लाखों करोड़ों का सामान है, वो किसके भरोसे में छोड़कर जा रहे हैं, आपके भरोसे में, तो आप ईमानदारी होना चाहिए, आपके आपके अंदर ईमानदार होना चाहिए। आप यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह में देखे होंगे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन को बहुत बहुत कीमती चीजें मिलती हैं, पर्स मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है, बहुत सारा पैसा ही मिलता है, लेकिन वो लोग मतलब ऐसे नहीं देखते, लेकर तुरंत रिटर्न कर देते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे आपका ईमानदारी होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, ठीक है? नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। आपको जो कोई भी अभी यूनिफॉर्म दिया गया है ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, जब आपका ड्यूटी लगेगा प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनकर ही आना है, पैड शर्ट शूज टोपी पर सब कुछ पहनकर आना है, और जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे प्रॉपरली इन करना है, इन मतलब समझते हो, प्रॉपरली इन करना है ना? आप देखे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी डिपार्टमेंट में देखे होंगे, बीएसएफ देखे होंगे, सीआरपीएफ देखे होंगे, कभी भी विदाउट इनमें रहते हैं क्या? नहीं सर, नहीं रहते। तो हम लोगों के भी पास भी एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म है, तो जब हम यूनिफॉर्म पहनेंगे तो प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो पहले किसको मिलेंगे? सिक्योरिटी। तो सबसे पहले कौन सी चीज को देखेंगे? आपकी यूनिफॉर्म को देखेंगे,
है ना। और जब आपके ड्यूटी के दौरान आप जब गेट में काम करोगे तो गेट के सामने में ड्यूटी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है देखो पेट्रोलिंग, क्या पेट्रोलिंग, रात में सोना नहीं है, प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है, ठीक है। सेकंड आता है प्रोटेक्शन, फर्स्ट प्रोटेक्शन देना है वहां का स्टाफ को, वहां का लोगों को, नेक्स्ट प्रोटेक्शन देना है प्रॉपर्टी को, नेक्स्ट प्रोटेक्शन देना है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी के बारे में आपको आगे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पार्किंग, पार्किंग मतलब समझते हो, कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो उन लोगों का गाड़ी जो है टू व्हीलर का पार्किंग अलग से होता है, फोर व्हीलर का पार्किंग अलग से होता है, तो पार्किंग जगह में ही वो लोग पार्किंग करना चाहिए, इधर उधर पार्किंग करना नहीं चाहिए, इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है गेट कंट्रोल, सेकंड आता है पर्सन कंट्रोल, थर्ड आता है मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। गेट जो होता है ना वो टोटल सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, गेट का कंट्रोल, कब गेट को ओपन करना है, कब गेट को क्लोज करना है, ये सारा कुछ कौन करता है, सिक्योरिटी करता है, लेकिन अंदर से परमिशन लेके, ऐसा नहीं कि गेट कंट्रोल आपके पास है तो सबको अंदर इन कर दोगे, सबको अंदर आउट कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गेट कंट्रोल आपके पास है तो जो कोई पर्सन को अगर परमिशन मिला है बाहर जाने के लिए वही पर्सन ही बाहर जा सकता है, और जो कोई पर्सन को अगर परमिशन मिला है अंदर आने के लिए वही पर्सन ही अंदर आ सकता है, ठीक है। सेकंड आता है पर्सन कंट्रोल, अभी मैंने बोला पर्सन कंट्रोल मतलब परमिशन लेके ही कोई पर्सन को एंट्री करना है और एग्जिट करना है, बाहर निकलना है और अंदर घुसाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल मतलब कोई भी मटेरियल अगर आता है या फिर कोई भी मटेरियल अनलोड होकर बाहर निकलता है तो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अंदर में जो कोई भी अथॉरिटी है उनको पता चलना चाहिए। कोई भी मटेरियल अगर आता है गेट में तो पहले आपको आपका काम है अथॉरिटी को पूछना कि ये मटेरियल आया है, हम इस मटेरियल को अंदर इन करें क्या, वो बोलेंगे यस भेजो, तब जाके भेजना है, इधर भेजना नहीं है। कोई भी अगर अंदर से कोई मतलब ट्रक आ रहा है तो उस उनके पास एक पास रहेगा, उसी पास को देखना है एंड रजिस्टर में एंट्री करना, तब जाके छोड़ना है, समझ में आ रहा है। yes, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का बहुत सारा वर्क होता है, जस्ट ये मैंने आपको हिंट्स बताया, बेसिक वर्क बताया, लेकिन जब आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। 15-20 दिन जब आप काम करोगे वहाँ का वर्क के बारे में तब जाके आपको पता चलेगा। सारे जगह में अलग अलग वर्क रहता है, जैसे कि अपार्टमेंट में अलग वर्क रहता है, आपके फैक्ट्री में अलग वर्क रहेगा, आपके स्कूल में अलग वर्क रहेगा, क्योंकि एक स्कूल होता है प्रोफेशनल जगह, एक फैक्ट्री भी होता है एक वन टाइप है प्रोफेशनल जगह, एक जो अपार्टमेंट होता है वो तो और भी प्रोफेशनल जगह है, क्योंकि वहीं पे रेपुटेड लोग रहेंगे, एक सोसाइटी की तरह वो रहेंगे, ठीक है। यस सर।